देश में किसानों का आंदोलन जोरों पर है। इस आंदोलन को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कभी खालिस्तानी एंगल लाकर तो कभी आतंकवादी बताकर, अब फेक वीडियोस डालकर भी इस प्रदर्शन को भटकाने की कोशिशें हो रही हैं। ट्विटर ने बुधवार को बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालविया द्वारा पोस्ट एक वीडियो को मैनिपुलेटेड करार दे दिया है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग को लाठी दिखाते नजर आ रहे हैं। मालविया ने कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेने के लिए एक क्लिप पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सबसे बदनाम भारतीय विपक्षी नेताओं में से कहा गया था और ये वीडियो उसके साथ पोस्ट की थी। ये ट्वीट अमित मालविया ने राहुल गांधी के एक ट्वीट के रिप्लाई में किया है, जिसमें उन्होंने एक फोटो शेयर करते लिखा था, बड़ी ही दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ कड़ा कर दिया है। ये बहुत खतरनाक है। अमित मालविया ने जो वीडियो शेयर किया है उसे ट्विटर पहले ही मैनिपुलेटेड वीडियो करार दे चुका है। अब आप असल वीडियो भी देख लीजिए कि पुलिस की लाठी उस बुजुर्ग को लगी भी है या नहीं। एक बार तो ऐसे लगता है कि लाठी नहीं लगी, पर आवाज से पता चल जाता है कि लगी है। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार ने उस बुजुर्ग से भी बात की जो इस वीडियो में साफ देख रहा है। वे बता रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ। बहुत माड़ा महसूस कर रहे, साडे डांगा मारिया जी उन्होंने। अहीं उत्थे जो गए आ, साडे पहले उन्होंने पानी मारिया ते फिर अथरू गैस दे गोले सुट्टे उन्होंने। पहले पानी मारा उन्होंने, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर परे बॉर्डर आके गए, फिर डांगा मारिया उन्होंने चालू कर दिया, फिर उन्होंने डंडा मारना शुरू कर दिया। डंडा बहुत मारा, पीछे भी मारा। कितना डंडा मारा? डंडा बहुत पीछे भी लगा। आप दिखाइए, ये देखिए जो डंडा मारा है और वो घाव देखिए इनके हाथ में, ये पूरा घाव है डंडे। ये बता रहे हैं पंजाबी में कि इनका ये तो एक निशान देखिए, पूरा काला पड़ा हुआ है। और कहाँ कहाँ लगी इसके अलावा डंडा? पीछे भी लगा, लात पर भी लगा था, सारे शरीर पर लगा, पूरे शरीर पे लगे हैं। तो चोट काफी आई आपको? तो कब मारा? उस दिन शुक्रवार को? शुक्रवार को मारा, जो बॉर्डर 27 तारीख को वहाँ सिंगू बॉर्डर पे। तो वहाँ आप क्या कर रहे थे? हम लाके चले पार कर लगे लागे, फिर सानू घेर के डाका मारते। फार्मर के प्रोटेस्ट में जो खालिस्तानी एंगल आया है वह भी अमित मालविया के ट्वीट के बाद ही शुरू हुआ था, जिसके बाद मीडिया ने उसे उठाया। अमित मालवीय का वीडियो ट्विटर ने फ्लैग किया। इस पर आपको न्यूज डिबेट देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे अमित मालविया की जगह राहुल गांधी होते तो डिबेट जरूर देखने को मिलती। ट्विटर ने इससे पहले अमरीका इलेक्शन के दौरान ट्रंप द्वारा किए जा रहे ट्वीट को भी फ्लैग किया था। अमित मालविया ऐसे ही फेक न्यूज पहली बार नहीं फैला रहे, इससे पहले भी आउट न्यूज जैसी संस्थाएं उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स का पर्दाफाश कर चुकी हैं। आजकल फेक न्यूज को सच मान लेना आम सा हो गया है। इससे पहले पीओके में हुई हलचल पर हमारे न्यूज एंकर्स ने जल्दी जल्दी से ट्वीट कर दिया कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक, बाद में पता चला कुछ हुआ ही नहीं था। खैर, ट्विटर ने सरकार के करीबियों के ट्वीट को फ्लैग कर शुरुआत तो की है। कुछ महीनों पहले फेसबुक पर भी उंगलियां उठी थी कि वे बीजेपी मेंबर के पोस्ट को क्यों नहीं हटा रहा। काश अब ट्विटर के इस कदम से वह भी कुछ सीख लेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसी तरह फेक न्यूज को फैलाने से रोक पाते भी हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।